अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। तो मैं तो जी आज गई थी मार्केट, और मार्केट से मैं जब वापस आई हूँ तो सब लोग खाने का शोर शोर मचा रहे थे कि खाना खाना क्या बनाया। तो मैंने फिर इनसे पूछा कि बताएं मैं क्या बनाऊँ, तो मुझे सबकी जो बैक वक्त आवाज़ आई कि दाल चावल बना लो। मैंने कहा दाल चावल थोड़ा ही सौखा काम है, बागम बाग मैंने दाल चावल जो बनाने स्टार्ट किए तो बहुत जल्दी जल्दी दाल चावल जो है वो बन जाता। तो चलिए जी दाल चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जी मेरा बहुत दिल कर रहा था, मेरा खुद का भी, कि मैं मार्केट से वापस आई तो मुझे बना बनाया खाना मिल जाए। तो बना बनाया खाना तो नहीं मिल सकता, तो इसलिए फिर सबकी फरमाइश पे और मैंने सोचा कि चलो सूखा काम करते हैं, दाल चावल बना लेते हैं। तो ये आज के जल्दी जल्दी बन जाते हैं। तो मैंने इसमें ले लिए जी 2 कप दाल चना की, और साथ में थोड़ी सी जो है मूंग और मसूर की दाल भी डालेंगे। उसके साथ ये है कि इसका जो टेस्ट होता है ना दाल का, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। खाली चने की दाल का भी टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन जब हम इसमें मूंग की और मसूर की दाल डाल लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है इसका। तो मैंने थोड़ी थोड़ी जो है मूंग और मसूर की दाल ले ली है, और 2 कप ले लिया चने की दाल। इसमें डालूँगी मैं पानी, इसको अच्छी तरह से धो के। तो पहले मैं इसको कुकर में डालूँगी, और थोड़ा सा इसको हम टाइम देंगे, और उसके बाद फिर खोलेंगे और मूंग और मसूर की दाल डालेंगे। दोनों अगर एक साथ डालेंगे ना तो वो ज़्यादा से वो गल जाएंगी, और ये अभी गली नहीं होगी, तो इस तरह नहीं करना। अच्छा जी, अब इसको भी धो के हम रख लेते हैं साइड पे। इसको अभी डालूंगी नहीं, सिर्फ धो के साइड पे रख लूँगी। तो दाल के अंदर हमने डालना है जी प्याज, हरी मिर्चें और 1 टमाटर। तो इसको हम रफली चॉप कर लेते हैं, मोटा मोटा कर लें आप, या जैसे भी आपका दिल करे आप इसको कर लें। और इसको चॉप करने के बाद हरी मिर्चें जो है इनको भी हम मोटा मोटा सा इस तरह से कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम दाल के अंदर डालेंगे। हम शुरू से ऐसे दाल बनाते आए हैं, क्योंकि हमारी अम्मी भी ऐसी दाल बनाती थी, और ससुराल में आई हूँ तो वो लोग भी ऐसी दाल बनाते थे। तो फिर मैंने इसमें कोई वो एडिशन नहीं की, मैंने कहा चले वैसे ही चलती रहने दें, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है ना जो कि सबको बहुत पसंद होती है। अच्छा, मुझे वैसे साबुत जो मसूर होते हैं ना, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं, उनके साथ मुझे चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं, वो भी और ये भी। अच्छा जी, चलें अब इसके अंदर मैंने सारा स्पाइस भी डाल दिए हैं, नमक मिर्च हल्दी सारा कुछ डाल के इसको मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया, बंद कर दिया। साथ में हम बना लेते हैं तड़का। दालें मैंने दोनों ऐड कर ली थी, और दोनों ऐड करने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं तड़का, लगा लेते हैं। प्याज को फ्राई कर लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा, सब्ज़ मिर्चें जो डाल के उसको हल्का सा मैंने इसमें फ्राई किया है, और उसके बाद तड़का हमारा भी रेडी हो गया। दाल तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है, और दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दिए थे चावल, साथ साथ में चावल भी रेडी हो गए हैं। इसके अंदर हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, साथ में डालेंगे हम सूखी मेथी, और साथ में हम डाल देंगे हरा धनिया, जो कि दाल को मज़ीद खूबसूरत भी बनाएगा और टेस्टी भी। तो अब दाल हमारी हो चुकी है रेडी, अब हम बना लेते हैं सलाद। सलाद बनाने के लिए मैंने लिए हैं जी प्याज, क्योंकि सलाद के बगैर तो चावल खाते ही नहीं है ना, कोई भी नहीं खाता, तो मुझे खुद भी नहीं अच्छे लगते। मैं कहती हूँ थोड़ा सा सैलड होना चाहिए साथ में। अच्छा जी, तो प्याज जो है इसको बारीक बारीक हमने प्याज को काटना है, और साथ में हमने टमाटर ले लिया, टमाटर भी इसी तरह से हम बारीक बारीक काटेंगे। साइज़ में चाहे थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन बारीक होना चाहिए। और साथ में हम डाल लेते हैं खीरा, खीरा मुझे बहुत अच्छा लगता है सलाद में, तो इसके साथ बड़ा ही टेस्टी सलाद बनता है। और खीरा, पता है आपको, खीरा खाने से स्किन फ्रेश हो जाती है। मैं तो जब भी कहीं बाहर से आऊँ तो आते ही मैंने 1-2 खीरे जो है ना वो ऐसे ही खा लेने होते हैं। तो ये हमारी डाइट में भी अच्छा काम करते हैं खीरे, खीरा लाजमी होना चाहिए। तो थोड़े से हम इसमें पुदीने के पत्ते जो हैं वो भी बारीक चॉप कर लेंगे, तो पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। साथ में हम डाल देंगे लीमू, और साथ में हम डाल देंगे, आप चाहे तो इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं या सिंपल नमक डाल सकते हैं। मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, और साथ में मैंने लीमू का रस डाल दिया। लीमू जो था मेरे पास क्यूब्स था, मैंने इसको तोड़ के इसके अंदर डाल के तो अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अब सलाद भी रेडी हो चुका है, दाल भी और राइस भी। तो अब इसको सर्व करते हैं जी, हम देते हैं, चलें जी खाना स्टार्ट करें। भूख बहुत ज़ोर शोर से लगी हुई है,
तो सब ने अपनी अपनी प्लेटों में चावल डाल लिए हैं, दाल डाल ली है, तो मैं भी अपनी प्लेट बना लेती हूँ। तो मैंने भी चावल डाले हैं और ऊपर दाल डाल के, और ऊपर मैं डालूँगी इसके सैलड। सैलड के बगैर मज़ा नहीं आता। मैं तो वैसे अचार भी साथ रख के खाती होती हूँ, तो आज मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया अचार अपना रखा हुआ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।